सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में 1 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटने लगा है, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि दोबारा रोजगार के उतने ही मौके सबको मिलना मुश्किल हो सकता है। अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करे, मजबूरी थी, तो अपने मास्क की दुकान लगाए। इनके परिवार कैसे चलेंगे, ये सब चीजें उनको बैठले फटके। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। ये ना हो कि हम लोग उससे झीलते झीलते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। चूल्हा गरीब का हो या फिर देश के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, पेट की आग बुझाने वाली रोजी रोटी पर आए संकट से नागरिकों को बचाने वाली दस्तक अब देनी जरूरी इसलिए हुई क्योंकि देश में जब कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 2,81,00,000 पहुंचा है, तो बेरोजगारी वाले संक्रमण की महामारी से 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का संकट कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहा है। 3 तरह के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब। इन तीनों वर्ग की कहानी के साथ भारत को बेरोजगारी की दूसरी लहर से बचाना जरूरी होता है। जिस वक्त देश में कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर पहुंचकर उतर रही है, तब भोपाल की सड़क पर एक साइकिल पर रंग बिरंगे मास्क टांग कर बेचने के लिए खड़ा 12वीं का छात्र सनी इस बात की हकीकत है कि रोजगार और नौकरियां छिनने से बेरोजगारी की दूसरी लहर पीक पर आ चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 12वीं के बच्चे की जिंदगी का पहिया बेरोजगारी से कैसे जुड़ गया। जवाब है सनी के पिता भूपेंद्र। एक निम्न मध्यम वर्ग के भूपेंद्र जो अब बेटे के साथ साइकिल पर मास्क टांग कर बेचने लगे हैं। वो खुद एक रेस्टोरेंट में काम करते रहे, लॉकडाउन में नौकरी गई, कोरोना के संक्रमण से बचाने वाला मास्क पेट पर आई बेरोजगारी के वायरस से बचाने का शुरुआती जरिया बना। पिछले साल भी अपन परेशान रहे तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने का, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी वोकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करे, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया। मदद तो नहीं मिल सकती पर बोल सकते कि घर का खर्चा चल जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते सर जी। आपको लगता है कि इस लॉकडाउन का एक असर पड़ा है आपके परिवार पे? सर असर तो बहुत पड़ा है, फिर क्या कर सकते हैं जी सर, बहुत असर पड़ा है, घर की स्थिति बहुत बदल जाती है। स्थितियां इतनी बदली हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.88% तक पहुंच गई, जबकि देश में बेरोजगार लोगों की दर 12% के करीब आ चुकी है। इसी बेरोजगारी की लहर ने मोटरसाइकिल से चलने वाले परिवार को साइकिल पर लाकर मास्क सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया। कमा लेते आप एक दिन? सर कम से कम जिस दिन कभी कभी 300 कभी 400, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। कोरोना कर्फ्यू एक तरीके से संक्रमण को खत्म करने में तो कारगर रहा है, लेकिन लोगों की निजी जिंदगी पर भी इस कोरोना कर्फ्यू का जबरदस्त असर पड़ा है और सनी उन्हीं में से एक है। भोपाल से अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देती रिपोर्ट देखिए। संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजधानी के उस इलाके में घूम रहे हैं जहां से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की भीड़ निकलने की आशंका है। ये इंडस्ट्री होटल और गेस्ट हाउस वाली है। यहाँ सन्नाटा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन रहा तो काम नहीं, काम नहीं तो रोजगार नहीं, रोजगार नहीं तो कर्मचारी बाहर। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोविड। देखिए एक मार होती है आदमी को, जान का खतरा कोविड से हुआ, इतने लोगों की जाने गई, इतना कुछ हुआ, वो हम सब ने सहा है। बट
इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है विच वी ऑल फेस टूडे इज द वेरी सर्वाइवल ऑफ पीपल देयर लाइवलीहुड देयर ब्रेड एंड बटर. ये ना हो कि हम लोग उससे झीड़ते झीड़ते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर. संभव है कि आप कहें कि अब तो लॉकडाउन खुलने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट की चिंता इस बात को लेकर है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा. असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में वक्त लग सकता है. लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है और लगभग 50 लाख नौकरियां छिनने का अनुमान बताया जा रहा है. अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर महीने के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है. और कोरोना काल के दौरान जो व्यापार है लगभग मुश्किल से 5 से 7% व्यापार लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर में हुआ है, तो बहुत बड़ा नुकसान इस सेक्टर को उठाना पड़ रहा है. चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार पर संकट की रिपोर्ट आई, चिंता की बात यह भी है कि CMIE के सर्वे में केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी गिरी है. 42% ने कहा था कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं आया. इसे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो दावा है कि 97% परिवारों की कमाई घट गई है. जो समर्थ है उनकी आमदनी घटती है तो चपेट में गरीब भी आते हैं. जैसे ये तस्वीरें हैं, ये ग्रामीण अपने घर से 500 किलोमीटर दूर काम करने गए. अब काम नहीं तो उत्तर प्रदेश से बिहार के गया वापस ट्रकों में भरकर लौटने लगे, लेकिन इन्हें नहीं पता वापस रोजगार बिहार में भी मिलेगा कि नहीं. घर पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे. लड़का छोटा छोटा बच्चा लेकर कहां से आ रहे हैं, हम लोग देखो भूखे प्यासे पड़े हैं. जब एक तरफ आम आदमी की आमदनी में महंगाई और रोजगार पर आए संकट की वजह से गिरावट होगी, तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद तुरंत बेरोजगारी वाली लहर से आई आपदा में राहत पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी खरीदारी कम करेगा तो बाजार खुलने के बावजूद रोजगार नहीं पैदा होगा. क्योंकि कोरोना से बच भी गए तो बेरोजगारी का वायरस आम आदमी को जीने नहीं देगा. भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक.